आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। मैनिफेस्टेशन का मतलब है साइन एंड सिस्टम्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फर्स्ट इटियोलॉजी, इट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट विच प्रोवोक ए पार्टिकुलर डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द एटियोलॉजिकल एजेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज रेफर टू द डेवलपमेंट और इवेल्युएशन ऑफ डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंडिकेट्स हाउ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर्स इन द बॉडी एंड डेवलप्स द ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड है मैनिफेस्टेशन, देस आर वेरियस चेंजेस अकर ड्यूरिंग द डिजीज प्रोसेस। फोर्थ है लेसन, इट इज ए रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑब्जर्वेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट्स ऑफ डिजीज। फिफ्थ है साइन एंड सिस्टम्स, सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव फीलिंग रिपोर्टेड बाय द डिजीज पर्सन टू ए डॉक्टर। विल साइन आर रिकॉग्नाइजेबल चेंजेस। सिक्स्थ है अपना सीक्वल, द आउटकम ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सीक्वल। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ स्कार ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन द स्क्वायर ऑफ द डिजीज प्रोसेस। सेवेंथ है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, इट इज ए सेपरेट प्रोसेस, दे मे डेवलप सेकेंडरी डिजीज ड्यू टू सम चेंजेस प्रोसीड्स इन द मेन डिजीज। एग्जाम्पल, बैक्टीरियल न्यूमोनिया मे बी ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकेंड, डिस्क्राइब द इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी साइन एंड सिस्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड डायबिटी मेलिटस। तो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट यूजली अकर्स इन द लंग्स बट मे अफेक्ट एनी ऑर्गन्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी। इटियोलॉजीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ए रोड सेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन टेंशन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोड्यूसिस नो टॉक्सिन। ट्रांसमिशन यूजली डायरेक्टेड बाय इनहेलेशन ऑफ एयर बोर्न ऑर्गेनाइजिंग बाय और बाय एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड पेशेंट सिक्रेशन। पैथोफिजियोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस आर इनहेल्ड एंड डिपोजिट इन पेरिफेरल एविलियोली थ्रू आउट द लंग्स। दिस इज द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम द लंग्स इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी बाय लिम्फेटिक सिस्टम्स। ये थे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबस बेसिलस इज डिपोजिट इन किडनी ग्रोइंग एंड ऑफ बोन एंड अदर एरिया ऑफ हाई ऑक्सीजन टेंशन सेलुलर इम्यूनिटी इन्वॉल्विंग लिम्फोसाइट्स माइक्रोफेज डेवलप्स एंड प्रिवेंट इट्स स्प्रेड ड्यूरिंग कॉजेशन। साइटोटॉक्सिक मटेरियल इज रिलाइज्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स विच डिस्ट्रॉय द बैसिलस एज वेल एज सराउंडिंग टिश्यू। दिस साइट देन हील्ड बाय रिसोल्यूशन फाइब्रोसिस
and calcification, then held tensilization, steel cotton, variable tuberculosis bacillus. Signs and symptoms. Stage 1, the initial infection or primary tuberculosis usually does not provide many signs and symptoms. The incubation period is 4 to 8 weeks. Mild fever, malaise may occur as tuberculin hypersensitivity develops. Stage 2, pulmonary tuberculosis usually occurs after a period of dormancy in various infected individual. Fever to 40 degree may occur in late afternoon or evening. Night sweats are common, generally malaise, fatigue, irritability and weight loss may occur. A cough particular early in the morning and production of yellow sputum, they may be blood restricted, is common. Blood is present due to ulceration of bronchial mucus. Massive hemorrhages can occur if a pulmonary artery in a tuberculosis cavity ruptures. Death may be occur from obstruction of airflow. Stage 3, malaria tuberculosis is a massive dissemination of tuberculosis bacillus throughout the body. Lesions are also found in additional in lungs, in the fever, spleen, bone marrow and other organs which does not have high oxygen tension. The signs and symptoms are non-specific and include dyspnea, high weight loss, weakness, fever, late sweat and gastrointestinal disturbance. That is certainly unless appropriate treatment is introduced. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a chronic disorder of carbohydrates, fats and proteins metabolism. A defective or deficient insulin secretory response causes the impaired carbohydrate metabolism which result in hypoglycemia. इसका etiology हम देख लेते हैं. Primary diabetes mellitus, also called idiopathic diabetes mellitus, is inherited. The cause of this unknown. This can be basically divided into two variants that differs in their pattern of inheritance, insulin response and organism or origins. The first is insulin dependent diabetic mellitus, IDDM, also called as type 1 diabetes, previous now as juvenile onset. This variant accounts for 10-20% of all cases of idiopathic diabetes. We have remaining 80-90% of patients have the second variant, non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM, also called type B diabetes. Secondary diabetes includes hypoglycemia associated with identifiable fever, cause in which destruction of pancreatic islets is induced by inflammatory pancreatic disease, surgery, tumors, certain drugs and iron overload. Pathophysiology diabetic mellitus kya hai? In deficient insulin, glucose is not utilized
by the liver which result in hypoglycemia. Deficient insulin glucose is not utilized by the liver which result in hypoglycemia. Hypoglycemia result in glucosuria when the serum level of glucose exceeds in renal threshold. For reabsorption of glucose, glucosuria result in polyuria due to osmotic diuresis. It may result in dehydration. Excess ketones bodies are secreted in the urine as strong acid, which result in urinary loss of bicarbonates and potassium, which results in dehydration. Glycoproteins in deposit in the capillaries due to hypoglycemia. Glucose is metabolized to sorbitol by aldose reductase in hyperglycemia, which produces cataracts and neuropathy. हाइपरबिलिटिस डायबिटी मिलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी. सो फ्रेंड स्टूडेंट्स, आपने देखा इसमें कि ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटी मिलाइटिस के बारे में. सो अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं मुझे. थैंक यू.